हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर टेस्ट बात करेंगे कि जो कंपैरिजन टेस्ट होता है वो क्या होता है और उससे हम कैसे पता करते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। सो स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपके सामने बेसिक कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ले चुका हूँ और क्या इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करने वाले और जो फाउंडेशन था वो मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे जो आई टे बार है यहाँ पे जाके आप मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट, मेरे और भी वीडियोज़ हैं लाइक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और BSc पे और IIT जेम पे और गेट पे, तो आप स्टूडेंट यहाँ पे आई टे पे जाके देख सकते हैं जो, या फिर मेरी लास्ट वाली स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा या फिर प्ले लिस्ट में भी जाके भी आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट, यहां पे अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें और स्टूडेंट फ्रेंड को जरूर शेयर करें और लाइक जरूर करें क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो इतना तो आपका बनता है। सो स्टूडेंट देखिए, यहां पे कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है। सो कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है, इफ सीरीज है, इफ समेशन UN एंड समेशन VN बी द टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, ध्यान रखना है पॉजिटिव टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, है ना, then summation vn is convergent, then summation un is also convergent if limit n tends to infinity un upon vn is equal to k, और इसकी वैल्यू जो k है वो फाइनाइट पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। दूसरा होता है कि अगर यहाँ पे summation vn is divergent, then summation un is also divergent if limit n tends to infinity, इसकी वैल्यू अल्टीमेटली दोनों चीज एक ही बोल रहा है यहाँ पे। कुल मिला के ये बात हो रही है यहाँ पे कि अगर हमें un की कन्वर्जेंसी पता करनी है तो हम एक VN ऐसा डिसाइड करेंगे जो, मतलब UN को देख के हम VN को लेना है ना, एक सीरीज को लेंगे हम यहाँ पे VN और उस VN पे हम टेस्ट लगाएंगे, है ना, उस रेशियो पे हम टेस्ट लगाएंगे UN अपॉन VN पे। अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट आ रही है तो फिर हम बात करेंगे कि जो VN है उसका बिहेवियर किसका है। अगर वो कन्वर्जेंट है तो हमारी पूरी सीरीज क्या होगी, UN सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और अगर बाई चांस की वैल्यू फाइनाइट आ रही है और हमारा जो VN है वो डाइवर्जेंट है तो हमारा UN भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। पर अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर ये जो VN है इसको कन्वर्जेंट और कैसे पता करेंगे कि ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक पी सीरीज टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं हेल्पिंग टेस्ट भी बोलते हैं। अगर यहाँ पे जो VN है ना, इस टाइप की सीरीज है लाइक और ये 1/1 power p, 1/2 power p, 1/n power p है ना, तो स्टूडेंट अगर ये जो p है, ये जो पावर है, अगर ये एक से बड़ी है तो सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, और अगर इसकी पावर एक से क्या है, छोटी है, तो वो हमारी क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। तो कुल मिला के इस टेस्ट का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, जो ये आपको ये सीक्वेंस जो दे रखी, ये जो सीरीज दे रखी, ये UN है राइट। अब आपको इस UN को देख के VN सीरीज का एन टर्म लेना है, देन फिर उसका रेशियो चेक करना है कि रेशियो का एन टेंस टू इनफिनिट पे वैल्यू फाइनाइट आ रही है, फिर हम ये हेल्पिंग टेस्ट से हम पता करेंगे कि भैया जो ये VN है ये कन्वर्जेंट है तो हम बताएंगे कि UN भी कन्वर्जेंट है, और अगर ये VN डाइवर्जेंट है तो हम बताएंगे कि UN भी क्या है, डाइवर्जेंट है, पर पहले इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। तो मैं एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूंगा कि ये कंसेप्ट है क्या और कैसे हम यहाँ पे पता करेंगे राइट। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, हमारे पास जो UN आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2n-1 राइट, है ना। अब आपको VN कैसे चूज करना है ये आप समझने की कोशिश करें, है ना। तो VN क्या लेंगे स्टूडेंट, आपको जो भी यहाँ पे टर्म दे रखी, लाइक मैं आपके सामने एक और एग्जांपल देता हूँ कि अगर बाई चांस UN की वैल्यू आपके दर सामने दे रखी n²(n³+1) राइट, ऐसा आपको दे रखा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे n की हाईएस्ट पावर कितनी 2 और यहाँ पे n की हाईएस्ट पावर कितनी 3, इसका हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये 1 बचेगा। तो आपको जो VN लेना है वो क्या लेना है स्टूडेंट, 1/n लेना है, ठीक है, ये ध्यान। अगर बाई चांस ये है तो यहाँ पे n² हो रहा है तो इसको कितना लोगे आप, n², तो ये आपको VN को देख, UN को देख के VN को लेना है राइट। तो अब यहां देखो यहां पे कितना आ रहा है, 1/n टाइप का आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, लेट VN इज इक्वल टू कितना लेंगे हम, 1/n लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट यहां पे हम इसका रेशियो चेक करेंगे, तो मैं चलो इसको हटा देता हूं यहां पे, है ना। नाउ अब हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव क्या लेंगे यहां पे, ये हमारा जो रेशियो है वो लेंगे UN/VN लेंगे, दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी, 1/2n-1 और इसकी वैल्यू कितनी, 1/n, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो ये आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये आएगा n/2n-1 और इसकी हम लिमिट चेक करेंगे स्टूडेंट तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और जब इन्फिनिटी पर अगर हमें लिमिट निकालनी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले n को कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1, और यहाँ पे भी हम n को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2/1-n, तो स्टूडेंट ये n से n तो कैंसिल हो गया, जिसे हम n टेंस टू इन्फिनिट रखें तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है और ये पॉजिटिव आ रही है ना, दैट इज फाइनाइट एंड क्या रहा स्टूडेंट, फाइनाइट एंड पॉजिटिव, मतलब
टेस्ट लग रहा है, यहां तक तो हम पहुंच गए, राइट, फाइनाइट भी आ गए। अब हमें देखना है कि जो ये vn है, ये हमारा यहां पे क्या है, कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है ना। मतलब हमें vn के बारे में, vn का जो बिहेवियर है वो हमें पता करना है कि यहां पे क्या है। आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, यूं ले लो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, ऐसे ले लो, है ना। अब यहां देखेंगे हम, बात करेंगे किसकी बात करेंगे यहां पे हम, कि भैया जो ये vn है ये कैसा है। तो बट हम देखेंगे यहां पे, बट समेशन vn दैट इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ रहा है, समेशन 1/n आ रहा है। और स्टूडेंट हमारे पास जो पावर p है ना, वो यहाँ पे कितनी आ रही, 1 आ रही है ना, क्योंकि पावर कुछ है ही नहीं, 1 ही पावर है ना। और यहाँ पे अगर 1 होता है तो ये जो सीक्वेंस होती है बाय द हेल्पिंग टेस्ट, आप देख रहे हो जब p की वैल्यू 1 होती है ना, तो हियर क्या लिखेंगे हम, हियर p इज इक्वल टू 1 है ना, बाय p सीरीज टेस्ट, है ना, बाय p सीरीज टेस्ट, है ना। द सीक्वेंस इज द vn इज VN is divergent, है ना। और अगर हमारा VN divergent है तो यहां पे क्या होगा, by comparison test, UN is divergent। तो स्टूडेंट मैं आपको एक बार और समझा दूं कि कोई भी सबसे पहले कोई भी आपको सीक्वेंस दे रही है, तो सीक्वेंस का आप n टर्म ले लीजिए, है ना, समेशन करके ले लो इसको 1/2n-1। अब इसको हमें देखना है, तो इसको देख के हम क्या करेंगे, हम इसका vn लेंगे, vn को हमने ले लिया 1/n, मैंने बताया था कैसे चूज करना है। देन हम यहाँ पे un/vn का लिमिट निकालेंगे, और लिमिट n टेंस टू पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही, स्टूडेंट फाइनाइट आ रही है। अगर ये फाइनाइट आती तो हम चेक करेंगे कि भैया जो vn है वो इस हेल्पिंग टेस्ट है वो क्या आ रहा है, कन्वर्जेंट आ रहा है या फिर डाइवर्जेंट आ रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ये सीरीज है 1/n पावर p है, और p की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट कितनी आ रही है, 1 आ रही है ना, हम यहाँ पे चेक करेंगे तो 1 आ रही है, और 1 पे बराबर 1 पे ये क्या होता है स्टूडेंट, डाइवर्जेंट होता है। तो जो vn है ये हमारी क्या होगी स्टूडेंट, डाइवर्जेंट होगी। और अगर vn डाइवर्जेंट है तो हमारा un भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, राइट। अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट आती है तो फिर क्या होगा, vn पर डिसाइड करेंगे कि vn अगर डाइवर्जेंट है तो un भी डाइवर्जेंट है, vn कन्वर्जेंट है तो un भी कन्वर्जेंट है। तो यहां पे मैं कुछ एक दो और एग्जांपल लूंगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। सो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, आपको इस सीरीज का कन्वर्जेंस टेस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे इसका यू एन क्या है। तो स्टूडेंट यू एन देखिए आप, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ऑब्वियसली ये एन होगा, और ये 1 है तो ये 2 है, तो स्टूडेंट ये क्या होगा मेरा, एन प्लस 1 होगा, और ये 2 है तो ये 3 है, तो स्टूडेंट ये क्या होगा मेरा, एन प्लस 2 होगा, राइट, है ना, देख रहे हो आप। और यहाँ पे ये जो 1 है ये 3 है, तो स्टूडेंट ये क्या होगा मेरा, 2n प्लस 1 होगा। एक बार चेक करते हैं क्या वैल्यू आ रही, 2n माइनस 1 होना चाहिए, 1 रखेंगे, 1 रखने पर ये 1, 2 बिल्कुल ठीक आ रहा है, 2 रखेंगे तो 3 आ रहा है, 2 बिल्कुल सही है। तो ये हमारे क्या होगा, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इसके n टर्म को कैसे लेना है। तो स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना भैया, 1, 2, 3 है तो ये n होगा ऑब्वियसली, ये 1, ये एक बड़ा है तो ये n प्लस 1 होगा, और इससे एक बड़ा है तो ये n प्लस 2 होगा। अभी ऊपर 1 है, 3 है, तो ये ओड चल रहा है ना, ओड चल रहा है, तो ओड क्या होता है, 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 टाइप का होगा। पर स्टूडेंट ये 1 है तो ये भी 1 आ रहा है, तो ये 2n माइनस 1, तो n की जगह 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1 आ रहा है, मतलब ठीक है, ये सही लिया हमने, है ना। अब हम क्या करेंगे, un है ना। अब मैंने आपको बताया था कि vn हमें कैसे चूज करना है, तो स्टूडेंट ऊपर नीचे कितना, n n n 3 टर्म आ रही है, इनके ऊपर क्या आ रही, 1 आ रही, तो ये n और नीचे मतलब ऐसा हो जाएगा n अपॉन n क्यूब आ रहा है ना, तो हम 1/n इसको आ लेंगे। तो क्या लेंगे, लेट vn इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, 1/n स्क्वायर, ये ध्यान देने की जरूरत है आपको, ठीक है। नाउ हम क्या करने वाले हैं अब, है ना, हम लिमिट इसकी वैल्यू निकालेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी vn अपॉन un की वैल्यू, और सॉरी un अपॉन vn की वैल्यू, ठीक है ना। तो un की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट हमारे पास, 2n माइनस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, n टेंस टू इन्फिनिटी कितना आएगा यहाँ पे, ये 2n माइनस 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1, है ना, n प्लस 2 डिवाइडेड बाय, ये आएगा vn, तो मैं डिवाइड करूँगा तो ये n स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। नाउ अब देखो नीचे ये n क्यूब आ रहा, ऊपर भी हम n क्यूब, तो इस n क्यूब को हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो ये आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और n क्यूब कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये आएगा 2 माइनस 1 अपॉन n, और यहाँ भी n को कॉमन निकालेंगे तो n क्यूब हो जाएगा, तो n क्यूब से n क्यूब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल होगा, तो ये आएगा 1 अपॉन 1 बाय n, और ये आएगा 1 प्लस 2 बाय n, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखने पर स्टूडेंट इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, विच इज फाइनाइट एंड पॉजिटिव। और ये फाइनाइट एंड पॉजिटिव है मतलब अब हम बात कर सकते हैं कि भैया ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो उसके लिए हम बात करेंगे यहाँ पे समेशन
वी एन की। तो समेशन वी एन मतलब इसका जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है ना। अब हेल्पिंग टेस्ट हम देखेंगे तो स्टूडेंट वन अपॉन एन एन टाइप का आ रहा है, यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी आ रही है टू आ रही, एंड हियर P इज इक्वल टू टू, और P जब दो एक से बड़ा होता है तो सीरीज क्या होती है कन्वर्जेंट होती है। दैट इज बाय कंपैरिजन बाय P टेस्ट बाय P सीरीज टेस्ट समेशन VN इज कन्वर्जेंट, और ये कन्वर्जेंट है देन बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट। तो स्टूडेंट ये जो सीरीज होगी ये हमारी क्या होगी कन्वर्जेंट होगी। तो इस तरह से हम चेक करेंगे। तो मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लूंगा फिर इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे। सो स्टूडेंट ये दो क्वेश्चन और देखिए आप लोग यहाँ पे टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज दिस, आपको ये सीरीज का पता करना है कि भैया ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग लेंगे यहाँ पे यू एन है ना। तो इसका जो यू एन आ रहा है वो कितना आ रहा है स्टूडेंट एन पावर फोर प्लस वन माइनस एन पावर 4 माइनस वन। तो स्टूडेंट आपको जब भी ऐसा कुछ मिले तो आप सबसे पहले क्या करेंगे इसको रेशनलाइज करेंगे, और रेशनलाइज करके इसका अंडर रूट हटाने की कोशिश करेंगे सो दैट क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अंडर रूट एन पावर 4 प्लस वन प्लस अंडर रूट एन फोर पावर माइनस वन एंड देन अंडर रूट ऑफ एन पावर 4 प्लस वन प्लस अंडर रूट एन पावर 4 माइनस वन। और स्टूडेंट जैसे हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ रहा है। तो इसको जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये एन पावर 4 प्लस वन और एन पावर 4 माइनस वन आएगा, और ये माइनस आएगा तो ये एन 4 से एन पावर 4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एन पावर 4 प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एन पावर 4 माइनस वन। तो हम यहाँ पे अब वी एन लेंगे, लेट वी एन। अब स्टूडेंट वी एन को मैंने लेने का तरीका समझाया था कि आपको यहाँ पे एन की डिग्री देखने की कितनी है। तो स्टूडेंट जैसे ही एन पावर 4 इसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो इसको बाहर निकालेंगे तो एन स्क्वायर होगा राइट। तो इसकी जो वैल्यू होगी उसको मिलेंगे वन अपॉन एन स्क्वायर। नाउ हम क्या करेंगे हम चेक करेंगे कि लिमिट यू एन अपॉन वी एन चेक करेंगे। जैसे हम यू एन अपॉन वी एन चेक करेंगे तो यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव है ना। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव में हमारे पास ये वैल्यू है तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये n स्क्वायर कहाँ चला जाएगा स्टूडेंट ऊपर चला जाएगा, देन ये आएगा अंडर रूट ऑफ n पावर 4 प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ n पावर 4 माइनस 1 है ना। और नाउ इसको n इस कॉमन निकालेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव है ना यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव है ना। यहाँ पे n स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो स्टूडेंट ऊपर बचेगा 2, और यहाँ भी n स्क्वायर कॉमन है n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर, और यहाँ आएगा 1 अपॉन 1 माइनस n स्क्वायर। और स्टूडेंट जहाँ पर भी n वहाँ इन्फिनिट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो नीचे बचेगा 2, और 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1 विच इज फाइनाइट एंड पॉजिटिव। स्टूडेंट अब ये फाइनाइट एंड पॉजिटिव आएगा, हम चेक करेंगे कि यार ये जो वी एन है ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो देखिए आप समेशन वी एन दैट इज समेशन वन अपॉन एन स्क्वायर, और यहाँ पे पी इज इक्वल टू टू है ना बाय पी सीरीज टेस्ट समेशन वी एन इज कन्वर्जेंट एंड बाय कंपेरिजन टेस्ट समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट। तो स्टूडेंट ये जो समेशन यू एन होगा ये हमारा क्या होगा कन्वर्जेंट होगा बिकॉज वी एन इज कन्वर्जेंट बिकॉज पी इज टू है ना। एक लास्ट क्वेश्चन वो लिख लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे आपको एन टर्म दे रखी है, मतलब आपको यू एन दे रखा है वन अपॉन एन साइन वन बाय एन। आपको ये पता लगाना है कि इस ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है जिसका एन टर्म आपको दे रखा है ये राइट। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे इसकी साइन की टर्म को खोलना पड़ेगा। तो साइन की सीरीज का फार्मूला होता है साइन एक्स की सीरीज क्या होती है स्टूडेंट मैं यहाँ बता दूँ आपको, साइन एक्स की सीरीज होती है एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो ये फार्मूला यूज करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। तो एक्स की जगह यहाँ पे 1 अपॉन एन है तो स्टूडेंट ये आएगा 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 अपॉन एन क्यूब, इस तरह से ये चलेगा है ना। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि अगर मैं नीचे वाले टर्म नीचे वाले इसकी बात करूं तो यहाँ पे जो n की डिग्री है वो कितनी है n स्क्वायर हाईएस्ट मतलब लोएस्ट डिग्री n स्क्वायर। तो अपन लोएस्ट बाकी तो बहुत सारी n की इनफाइनिट डिग्री आएगी पर लोएस्ट डिग्री कितनी है 1 अपॉन n स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे लेट वी एन इज इक्वल टू कितना लेंगे 1 अपॉन n स्क्वायर लेंगे। नाउ हम बात करेंगे अब किसकी लिमिट
n टेंस टू इन्फिनेटिव यू एन अपॉन वी एन के लेंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव, अब यहाँ पे क्या रहा है, यू एन अपॉन वी एन, तो स्टूडेंट इसको हम डिवाइड करेंगे इसको इससे, तो n स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, एंड देन वन अपॉन n, है ना, यहाँ सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पे, है ना, आप इसको लेंगे तो ये आएगा वन अपॉन n, है ना, वन अपॉन n माइनस वन बाय थ्री फैक्टोरियल n क्यूब, इस तरह से आएगा, डिवाइडेड बाई नीचे कितना आएगा, वन अपॉन एन स्क्वायर आएगा, तो ये जो वन अपॉन एन स्क्वायर है कहाँ ले जाएंगे हम, ऊपर लेके जाएंगे, तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ इसको, इसको हटा ही देता हूँ, समझ में आ गया होगा आपको, है ना, ये आएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव, ये जो एन स्क्वायर इसको मैं ऊपर ले लूँगा, और स्टूडेंट मैं नीचे भी क्या करता हूँ, एन को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये एन स्क्वायर आएगा, है ना, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इस सीरीज में वो कितनी आएगी, यहाँ तो बचेगा वन, देन ये आएगा वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल एन स्क्वायर, इस हिसाब से सीरीज आती जाएगी, ये एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, और स्टूडेंट जैसे हम एन टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे ये क्या हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, वन विच इज फाइनाइट एंड पॉजिटिव, ठीक है ना, तो अब ये वैल्यू वन आ रही है, नाउ हम चेक करेंगे लिमिट, मतलब आपके पास इसकी वैल्यू चेक करनी है, वी एन दैट इज समेशन वन अपॉन एन स्क्वायर, एंड हियर P इज इक्वल टू टू, है ना, P सीरीज टेस्ट जो मैंने आपको बताया था, है ना, बाय P सीरीज टेस्ट समेशन वी एन इज कन्वर्जेंट, और ये अगर कन्वर्जेंट होता है तो बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट। सो स्टूडेंट मुझे लगता है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और स्टूडेंट जो लास्ट वाली स्क्रीन पे मेरे पुराने जो जितने भी वीडियोज़ हैं वो आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।